कंटिन्यू वीडियो फ्रॉम प्रीवियस, ये प्रीवियस की कंटिन्यू वीडियो बन रही जो अभी मैंने पीछे अपलोड की थी। मैं उसमें ये बताना चाह रही थी कि किस तरीके से हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। कैटलॉग कार्ड बनाने के लिए हमारे पास कैटलॉग कार्ड होना चाहिए, दैट इज द फॉर्मेट, एंड द फॉर्मेट इज दिस। दिस वन इज कैटलॉग कार्ड फॉर्मेट। ये कैटलॉग कार्ड का फॉर्मेट है। कैटलॉग कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम इसमें अगर AACR2 की एंट्रीज बनाते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं मेन एंट्री। मेन एंट्री या तो ऑथर से होती है या फिर टाइटल से होती है। सबसे पहले हम यहाँ कॉल नंबर और बुक नंबर लिखते हैं। कॉल नंबर और बुक नंबर लिखने के बाद सबसे मेन बात ये होती है कि कॉल नंबर और जो बुक नंबर है वो पेंसिल से लिखा जाना चाहिए। पेंसिल से। और ये एक्सेशन नंबर। कॉल नंबर और बुक नंबर को छोड़ के रेस्ट ऑफ वर्क जो होता है कैटलॉग कार्ड में वो सब कॉल नंबर और बुक नंबर को छोड़ के सबका सब टोटल पेन से बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर मैं इसका कैटलॉग कार्ड का फॉर्मेट बनाना चाहूँगी कि मतलब एक उसका स्केलेटन तैयार करूँगी कि किस तरीके से हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑथर, हमें ऑथर दिया होता है तो ऑथर का पहले सरनेम लिखा जाता है, कॉमा लगा के उसका फोर नेम लिखा जाता है। जैसे कि अगर किसी का नाम है आर के शर्मा तो आर के शर्मा में सबसे पहले हम उसका सरनेम लिखेंगे यानी शर्मा, और हाँ नेचुरल सीक्वेंस में ही लिखा जाता है और फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखते हैं, तो शर्मा कॉमा लगा के आर के शर्मा देन आर के, यहाँ पे सरनेम देन फोर नेम। उसके बाद हमारा इस वाले सेक्स, ये हमारी फर्स्ट लाइन होती है, सेकंड लाइन होती है, हम सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हैं अपना टाइटल। ये मेन एंट्री कैसे बनती है वो बताया जा रहा है। टाइटल, अगर सब टाइटल दिया है तो हम कोलन लगा के सब टाइटल लिखते हैं। अगर हमें जो टाइटल गिवन है, जो उसमें गिवन है उसमें अगर साथ में ऑथर के साथ बाय लगा के लिखा है तो हम स्लैश लगाकर बाय लिखते हैं, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखते हैं। बाय लगाकर हम ऑथर का नेम लिखते हैं, वो भी नेचुरल सीक्वेंस में, ऑथर नेम और कंटिन्यू सेकेंड फर्स्ट लाइन से करते हैं। ऑथर नेम नेचुरल सीक्वेंस में होना चाहिए। नेचुरल सीक्वेंस का क्या मतलब है, अगर आर के शर्मा दिया है तो हम बाय आर के शर्मा ही लिखते हैं। इसके बाद अगर हमें एडिटर दिया है तो हम डॉट लगाएंगे एडिटर नेम, ठीक है, एडिशन। जैसे किसी का थर्ड एडिशन पब्लिश होता है, किसी का फोर्थ एडिशन होता है तो हम वो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले एडिशन। एडिशन के बाद हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे और हाइफन लगाएंगे, डॉट और हाइफन। उसके बाद हम प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं यानी वो बुक जहाँ पब्लिश हुई है, प्लेस के बाद। फिर इसके बाद हम यहाँ पर फिर से, अब उसके बाद हम पब्लिशर नेम लिखेंगे डॉट लगा के, नेम ऑफ द पब्लिशर, देन कॉमा लगा के ईयर, कॉमा लगा के ईयर, फुल स्टॉप। ये हमारा टाइटल। फिर उसके बाद अगर सब टाइटल है तो कोलन लगा के सब टाइटल, देन आपका ऑथर, ऑथर के बाद, ऑथर नेम के बाद नेचुरल सीक्वेंस में ही होना चाहिए, और उसके बाद डॉट लगा के एडिशन, डॉट और हाइफन लगा के आपका प्लेस, डॉट लगा के नेम ऑफ द पब्लिशर, जैसे सेल्स पब्लिकेशन है, ठीक है, और उसके बाद एक, उसके बाद ईयर यानी किस ईयर में वो पब्लिश हुई है। फिर उसके बाद हमारा आया था यहाँ नोट एरिया। यहाँ पे सबसे पहले हम पेजेस लिखते हैं, पेजेस सेमीकोलन साइज लिखते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा नोट सेक्शन आ जाता है,
ये हमारा नोट सेक्शन होता है। नोट सेक्शन हम एक्चुअल में इसलिए बनाते हैं कि हमें इस मेन एंट्री की, ये जो गिवन ऑथर है, ये जो मेन एंट्री है, इस मेन एंट्री की जो एडिड एंट्री जो जो भी बनानी है, जिस जिसकी भी बनानी है, जैसे कि ऑथर सिंगल ऑथर है तो एक मेन एंट्री में हो जाएगा, अगर डबल ऑथर है तो जो सेकेंड ऑथर होता है उसकी एडिड एंट्री भी बनाई जाती है। तो इसमें सेकेंड वन क्या करेंगे हम, इसमें नोट एरिया नंबर वन हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट हेड, सब्जेक्ट एडिड एंट्री जो कि हम टाइटल से निकालते हैं। और अगर हमें सब्जेक्ट हेडिंग निकालनी हो तो हमें ये सीयर्स लिस्ट से मिलती है, सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग के लिए होती है मेनली, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेडिंग एंट्री, फिर उसके बाद ये रोमन काउंटिंग वाला फर्स्ट लगाते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं अगर ऑथर है तो सेकेंड ऑथर की, अगर डबल ऑथर है ट्रिपल ऑथर, इस तरीके से सेकेंड, फिर हम टाइटल की बनाते हैं। टाइटल के बाद अगर इसमें से दैट अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की बनाते हैं, जो कि सीरीज एडिड एंट्रीज हो जाती हैं। एडिड एंट्रीज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है इसमें बताऊंगी। मैं फिलहाल एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहूंगी कि कैटलॉगिंग करने के लिए सबसे पहले कैटलॉग कार्ड में हम कॉल नंबर और बुक नंबर लिखते हैं, और ये पेंसिल से लिखा जाता है, फिर एक्सेशन नंबर लिखते हैं, और जो इसकी मेन एंट्री है उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सरनेम लिखते हैं किसी भी ऑथर का, फिर फोर नेम लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ सेकेंड लाइन से स्टार्ट करते हैं और कॉलन लगाकर इसमें सबटाइटल स्लैश लगाकर बाय ऑथर नेम इन नेचुरल सीक्वेंस, फिर उसके बाद डॉट लगा के एडिशन, फिर उसके बाद डॉट और हाइफन लगा के प्लेस, देन डॉट लगा के नेम ऑफ द पब्लिशर, और फिर उसके बाद कॉमा लगा के ईयर। और हमारा जो सेकेंड वर्क होता है वो होता है पेजेस और साइज लिखने का, पेजेस और साइज के बीच में जो वर्क करता होता है सेमी कॉलन, और इसमें नोट एरिया में सब्जेक्ट एडिड एंट्री, फर्स्ट ऑथर एंट्री, सेकेंड ऑथर की एंट्रीज, टाइटल की एंट्रीज, अगर सीरीज एडिड एंट्रीज है तो सीरीज की एंट्री। इट्स ऑल अबाउट द कैटलॉगिंग और शेड्यूल, स्केलेटन ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड।